तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है दूसरा दिन और अभी मैं हूँ देहरादून में, उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून। और अभी आज की मेरी यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो रही है चंडीगढ़ के लिए, जिसमें सबसे पहले पड़ेगा अभी पांवटा साहिब पड़ेगा, वहाँ पे मैं रुकूँगा। उसके आगे सीधे आता है बॉर्डर और हम हिमाचल में एंटर कर जाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश से निकल के फिर हम आगे जाएंगे चंडीगढ़ की तरफ। ओके, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है आज भी, आज ज़्यादा मज़ा आएगा इनफैक्ट, क्योंकि ये सारी जगह नई है मेरे लिए, है ना। पहली बार ही आ रहा हूँ मैं इधर। जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेरी प्लेन साइड में पहली राइड है, पहाड़ों पे तो मैं बहुत राइड करता हूँ, प्लेन साइड में मैं पहली राइड आया था स्कूटी से। मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, अभी कुकुर मर गया था बेचारा, बच गया। हाँ फ्रेंड्स, पहाड़, जैसे ही थोड़े से पहाड़ स्टार्ट होते हैं ना, ऊँचे नीचे कितना अच्छा लगता है, काफ़ी एक्साइटमेंट आ रहा है, ठंडा ठंडा है। और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन पता है एक गड़बड़ होगी। गड़बड़ क्या होगी कि ये मेरा जो फ्यूल का कैप है ना, ये लग ही नहीं रहा यार, पता नहीं कहाँ से लॉक हो गया। कल भी ये दिक्कत दे रहा था, लेकिन वो लग गया था अचानक से। आज फिर से अभी इसने सुबह सुबह में पेट्रोल फ्यूल अप कराया तो ये लग ही नहीं रहा। वहाँ देखा, अभी फिर से मैंने जुगाड़ देखा, ये टेप वेप किसी से मांगा। तो एक चीज़ और मैं मेंशन करूँगा, कभी आप कहीं भी ट्रिप्स पर जाते हो ना, एक ब्लैक वाला टेप ज़रूर रखना, वो इलेक्ट्रिकल टेप बहुत काम आता है, मतलब बहुत चीज़ों में काम आ सकता है। इनफैक्ट परफेक्ट एग्जाम्पल इज़ दिस, ये तो अभी निकल जाना है, तो इसको मैं देखता हूँ आगे तक कहीं पे इलेक्ट्रिकल टेप लूँगा ब्लैक वाला, या फिर एक मैकेनिक सुबह सुबह मिलते भी नहीं है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, म्यूज़िक लगाते हैं, एटलीस्ट पांवटा साहिब तक ये चले जाएगा, वहाँ जाते हैं, गुरुद्वारा जाएंगे एंड उसके बाद इसमें टेप लगाएंगे या फिर इसको सही करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो नदी आप साइड में देख रहे हो, नदी सी, ये घाटी सी, आसन बैरेज नाम है इधर का। और यहाँ पे काफ़ी सारी बर्ड्स हैं यार। पांवटा साहिब में ऑलमोस्ट पहुँच ही गया हूँ, यहाँ से 5-6 किलोमीटर है। और ये सारे नज़ारे इधर के बहुत प्यारे हैं, ये पूरा फॉरेस्ट वाला एरिया है, आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिसर्च सेंटर, आज देख भी लिया है। वाओ, ये रहा है यहाँ का गुरुद्वारा पांवटा, गुरुद्वारा पांवटा साहिब, काफ़ी अच्छी लोकेशन है, नदी है, छोटे छोटे पहाड़ हैं आसपास। अंदर से तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा ना, अंदर वीडियो वगैरह अलाउड होती नहीं है। यहाँ से चंडीगढ़ रह रहा है लगभग 125 किलोमीटर। भाई जी, गुरुद्वारे का रास्ता कहाँ है, पीछे। अब दुनिया की किसी भी रिलीजियस साइट में जो पीसफुल और डिवोशनल माहौल होता है ना, उसमें अंदर एक पॉजिटिविटी की लहर सी आती है। और इसी के चलते मैं गुरुद्वारा पांवटा साहिब में आराम से रुका हुआ था। तो पहले जो गुरुद्वारे में कीर्तन चलते हैं वो मैं आराम से सुन रहा था। और अब देखो यार, मुझे तो पता नहीं ना कि गुरुद्वारे में किस तरीके से होता है, क्या होता है, तो बस मैं कर रहा था लोगों को फॉलो। और वो चलते चलते मुझे लेके गए लास्ट में लंगर हॉल तक। तो मैंने कहा ये भी बढ़िया है, क्योंकि ब्रेकफास्ट करके तो मैं आया नहीं था ना। और अब देखा जाए तो सिखिज्म की कितनी गजब की बात है ना, कि आप किसी भी गुरुद्वारे में जाते हो तो ज़्यादातरों में आपको 24/7 ये लंगर चलता हुआ मिलता है। और उसमें भी ये नहीं, किसी भी कास्ट, क्रीड और किसी भी टाइप के इंसान को ये लोग सर्व करते हैं, तो कितनी खास बात होती है। एग्जैक्टली जिस हम लोकेशन पे हैं, ये है पांवटा साहिब जो जगह है, ये बिल्कुल उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर के आसपास आप कह सकते हो। और ये शायद पे गुरुद्वारा मेरे ख्याल से हिमाचल साइड पे है, और यमुना नदी के बिल्कुल किनारे पे। यार कल तो मतलब ऐसा हो रहा था कि थकान थकान सी हो रही थी, लेकिन आज राइड में करने में ऐसा ना, मैं पहले ही सोच के आया था कि आई विल टेक प्रॉपर ब्रेक्स, और उसके साथ साथ मैं रुक रुक के आराम से छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं, टू व्हीलर को छोड़ के इधर उधर जा सकता हूँ, तो दैट विल बी मोर ग्रेट, है ना। नहीं तो थकान होगी सिर्फ, और तो कुछ नहीं। फोटो खिंचवा रही है, अगर पैर स्लिप हो जाए ना, सारा सारी फोटो वहीं खींच, ढूंढेंगे भी कौन है, चाल मार दूंगा, चाल मारने वाला भी कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। अच्छा तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा आके यमुना के आके थोड़ा पैर वैर डुबा के बैठा जाएगा,
तो यहाँ पे होली रिवर है ना, लोग नहा रहे हैं बढ़िया करके, लेकिन सर कोने में तोरी काई, मैं बैठ नहीं सकते हैं फिर। तो फ्रेंड्स, मैं तो पहली बार ही ट्रिप पे आया है और स्कूटी के तार ने ऐसा धोखा दिया लॉक ने, तो अभी तक वो ठीक नहीं हो पाया यार। मैंने दिखाया तो भाई लगा हुआ है यार, सही करने में बहुत टाइम से लगा है, लेकिन मिल नहीं रहा, आखिर हो क्या रहा है। भाई नाम बता लिया यार एक बार, निशान भाई ने बहुत हेल्प करी यार। भाई कितने घंटे हो गए बताइए ज़रा, बहुत टाइम हो गया भाई ने सही करा यार, मतलब ओवरऑल वो तेल तेल टाल डाल के सही कर दिया, तो थैंक यू उसके लिए भाई, धन्यवाद अंकल जी। और भाई जा रहा हूँ बैक ऑन ट्रैक, ये ट्रिप मेरी एडवेंचरस ही हो रही है, एडवेंचर ही एडवेंचर है। तो अभी तो यार उसमें वो पता है इतनी छोटी सी तार थी, मुझे देख के हंसी आ रही थी, पांच लोग कैसे लगे हुए थे, वो तार फंसी नहीं जा रहा था, उसको लगाने में काफ़ी टाइम लग गया, बट वो काफ़ी हेल्पफुल लोग थे यार। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ नॉट एनी बैड, मतलब ये तो होती है ना ट्रिप, इसमें आपको ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, राइट है ना। अभी एक चीज़ नोटिस करी, मतलब देखो आप कभी भी बड़े शहरों में कहीं पे रिपेयर कराने जाते हो, मैं अपने वहीं जाता हूँ, तो इनफैक्ट सोचो इतनी छोटी सी चीज़ के लिए जिसके लिए आपको ज़्यादा चार्ज भी नहीं पे करना, उनको पता है इससे ज़्यादा कोई प्रॉफिट नहीं होगा, उसमें वो कोई ऐसे लगेंगे वहाँ पे, देखो पांच अंकल लोग लगे हुए थे बड़े अच्छे से, मतलब ऐसे नहीं होता है। तो ये तो है ब्यूटी छोटी जगहों की, खासकर लोग कम सेल्फिश हो गए। वाओ, ये थोड़े थोड़े पहाड़ बहुत ज़रूरी हैं यार, अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि उधर से पहाड़ों की तरफ से थोड़ी थोड़ी ठंडी सी हवा आ रही है, वो बहुत ज़रूरी है यार। मैं तो चाहता हूँ इधर रोड की साइड ही छोटे छोटे थोड़े इतने से तो रहें कम से कम। हमने एंटर कर लिया है नाहन, अब यहाँ के टेढ़े मेढ़े मोड़ आप देख रहे होंगे पहाड़ में, ये थोड़ा सा छोटे से पहाड़ में, मे बी हिमाचल के बॉर्डर के आसपास छोटा सा हिल स्टेशन टाइप का है, हिमाचल प्रदेश रोडवेज। इनकी रील बहुत देखी है मैंने, आपने भी ज़रूर देखी होंगी इंस्टा पे, हिमाचल रोडवेज करके ऐसे रोड्स पे जाती हैं पहाड़ों पे। I'm a rider, na na na, na na na. तो फ्रेंड्स मैं चल रहा हूँ नेशनल हाईवे 7 में, और अभी सनसेट हो रहा है थोड़ा, मतलब हुआ नहीं ऊपर है, यहाँ ट्रक में बहुत लोग भर के जाते हैं यार ऐसे करके, पता नहीं कहाँ जाते हैं, ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिख रहे हैं मतलब पूरे रास्ते पर, और ऐसे लोग भरे पड़े उसमें, टोलियाँ पता नहीं कहाँ को निकल ली इनकी, हाईवे बड़ा अच्छा बना रखा है, बट ये जो ट्रक आ रहे हैं ना बीच बीच में, देखो उसने वहाँ अपने अगल बगल स्वर्ग बना रखा पूरा, वैसे तो हाईवे बहुत अच्छा है ये पूरा, बीच में पूरा आप पौधे ही पौधे कह सकते हो हाईवे के बीच में, इसको निकल जाने देता है यार पहले, जा भाई जा, जल्दी जाना है यार। लेकिन यार प्लेन में क्या है ना, मतलब मुझे जो फील हो रहा है, मैं पहली बार ही चल रहा हूँ लंबा, जहाँ पे बीच में या तो बीच में स्टॉप आते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे ही जहाँ हमने विज़िट करना है, कहीं ना कहीं जाना है, लेकिन जब बीच में लंबा सा किसी दो शहरों के बीच में हाईवे सा आता ना, वो बहुत ही बोरिंग हो जाता है, आपका पता नहीं मेरे लिए तो बहुत बोरिंग हो जाता है वो, स्पेशली सोलो है ना। बस मेरी जो डेस्टिनेशन है अभी चंडीगढ़ के बगल में पंचकूला, आज मैं वहीं तक जा रहा हूँ, वहीं रुकूँगा, वहाँ पे मैं जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरा एक कॉलेज फ्रेंड है, मैं उसके वहाँ रुकूँगा चंडीगढ़, फिर देखते हैं आज और कल मैं एक्सप्लोर करेंगे चंडीगढ़ और आसपास, कहीं मे बी शिमला और कहीं पे आगे, जो मुझे सिटी सी दिखाई दे रही है बड़ी सी, कैसे ही लग रहा है, सूरज आ रहा है उसके आगे, सीधे आगे बिल्कुल साइड चल रही है, एक एरोप्लेन उड़ा है, ओ बॉय गॉड लुक एट दिस हाईवे। वो तो अच्छा हुआ मैं दिल्ली में रहता था, नहीं तो मैं इनको देख के चकरा जाता है, यहाँ अभी अचानक पहाड़ों से बाहर निकल के ऐसे बड़े बड़े और गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, डर के वापस ना चल देता मैं कहीं,